Hello students, I am Tanu Malik from English class. Today we are going to start with the beautiful poem Animals, which has a very deep meaning and life-changing concept. But before that, let's read about the poet Walt Whitman. Walt Whitman एक American poet और बहुत अच्छे पत्रकार थे. अक्सर उनकी पोम में असर देखा गया है दो लिटरेरी मूवमेंट्स का. वो थी ट्रांसजेंटलिज्म और रियलिज्म. ट्रांसडेंटलिज्म में बहुत सारे जो राइटर्स थे वो लिखते थे मैन और नेचर के रिलेशनशिप के बारे में, जबकि रियलिज्म में राइटर्स रिप्रेजेंट करते थे ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो कि बिल्कुल सही था और सच्चा था. वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट्स में बहुत ही एक प्रभावित पोएट थे और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो अपनी पोम में किसी भी तरह का कोई मीटर, राइम या पैटर्न फॉलो नहीं करते थे. नेक्स्ट इज थीम. इन दिस पोम वॉल्ट व्हिटमैन एडमायर करते हैं एनिमल्स की, क्योंकि उनका बिहेवियर ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बेटर है. एनिमल्स लव फॉर ह्यूमन इज जेन्युइन. वो वैसा ही दिखावा करते हैं जैसे वो है. हाउएवर ह्यूमंस आर लूजिंग एम्पैथी ड्यू टू द रैट रेस. रैट रेस मीन्स जो पैसे की भागदौड़ लगी हुई है, उसकी वजह से हमारे आपसी रियल रिलेशंस खराब हो रहे हैं. ह्यूमंस आर बिजी फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स. ह्यूमन बींग्स का काम है एक दूसरे में कमी निकालना. वेयर एज एनिमल्स आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन सेल्फ. एनिमल्स जो हैं वो अपनी कंडीशन में फुली सेटिस्फाइड हैं. दे नेवर क्रिब. फर्स्ट स्टैंजा. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. इन दिस स्टैंजा पोएट सेज he could turn. Turn means he want to stay away from the depressing human world where no one is satisfied. जो human beings हैं वो हर time dissatisfied रहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते अपनी condition से, and they always complain. And live with animals. Poet says he wants to live with animals instead of human beings. They are so placid. Placid means calm, पीसफुल. एनिमल्स बहुत ही काम और पीसफुल हैं और वो अपने आप में बहुत ही खुश रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक. पोएट एनिमल्स के बिहेवियर से बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं. सो ही लुक्ड एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. The poet says they, here he refers to animals. Animals do not sweat and whine about their condition. Animals कभी भी अपनी condition को लेके crib नहीं करते. वो कभी भी छोटी छोटी बातों को लेके complain नहीं करते हैं. They remain satisfied. They do not lie awake in the dark. It means animals eat and sleep very peacefully and weep for their sins as human beings do. ह्यूमन बींग्स रात को देर रात तक जागते हैं और कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते. वेयर एज एनिमल्स ईट एंड स्लीप वेरी पीसफुली. नेक्स्ट. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. एनिमल्स कभी भी भगवान के आगे प्रे नहीं करते, ना ही वो भगवान से कुछ मांगते हैं और ना ही वो भगवान से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो कुछ गलत ही नहीं करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भगवान को कब याद करते हैं, जब उन्हें या तो किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर उन्होंने कुछ गलत कर दिया है. नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड. कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, वो जिस भी कंडीशन में है वो खुश हैं. नो वन इज़ डिस्टर्ब्ड. कोई भी एनिमल डिस्टर्ब नहीं रहता है, वो हमेशा पीसफुल मैनर में अपना जीवन जीते हैं. विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब है बहुत सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जीना, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को पोजेस करना. ह्यूमन बींग्स का क्या काम है? हमारा काम है बहुत सारी चीज़ों को खरीदते रहना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमारे पास एक भी कार नहीं है, एक कार आ गई तो हम उसमें थोड़े ही दिन खुश रहते हैं, उसके बाद हमें लगता है इससे भी बड़ी कार होनी चाहिए. फिर जब और बड़ी कार हो जाएगी फिर हम उसमें भी खुश नहीं रहेंगे, फिर हमें लगेगा इससे भी बड़ी कार होनी चाहिए. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, उनकी रैट रेस लगी रहती है, एक चीज़ खरीद ली है फिर दूसरी चाहिए फिर कुछ और चाहिए। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Kneels means bend down. जब animals एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे के आगे झुकते नहीं हैं। Not to his kind that lived thousands of years ago. ना ही animals अपने ancestors के लिए pray करते हैं जैसे कि human beings करते हैं। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल, किसी भी एनिमल की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, फिर भी सभी एनिमल्स हैप्पी रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं जिस भी कंडीशन में वो रह रहे हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। जो एनिमल्स हैं वो अपना ट्रू लव पोएट के लिए शो करते हैं और पोएट उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, सभी एनिमल्स उन्हें याद दिलाते हैं जो उनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी वर्चुअस वो कंडक्ट करते थे। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन्स जो एनिमल्स हैं वो पोएट को उनकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स याद दिलाते हैं। दे एविंस, एविंस मीन्स रिवील करते हैं, उन्हें बताते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, पोजेशन मीन्स जिस चीज़ पर आपका हक है। एनिमल्स उन सभी करेक्टरिस्टिक्स को जो कभी ह्यूमन बींग्स पोजेस करते थे खुद से रिप्रेजेंट करके उन्हें शो करते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पोएट को अब किस चीज़ का पछतावा हो रहा है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। यहाँ पर पोएट हैरान हो जाते हैं कि एनिमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आई, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहले उनकी थी, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन अब वो इन्हें धीरे धीरे भूल चुके हैं। हेयर इन दिस स्टैंजा द पोएट इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड because even he forgot long time ago about his original characteristics. Next we are doing literary devices. In this poem first literary device which is used is paradox. Paradox का मतलब होता है जो real situation है उससे opposite जाना। The first line begins with a paradox. So the first line of the poem is आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। पोएट कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे ह्यूमन बींग्स की जगह एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। तो दिस इज़ पैराडॉक्स, वो रियल सिचुएशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहने की बजाय एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ह्यूमन्स की क्वालिटीज़ दे देना। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस पोम एनिमल्स को ह्यूमंस की क्वालिटीज़ दी गई हैं, क्योंकि उनमें अच्छा सोचने की शक्ति है, वो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते और वो सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इस पोएम में एनिमल्स को ह्यूमंस की क्वालिटीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है जब पोएम में कोई भी वर्ड लगातार लाइंस में रिपीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पोएम का जो सेकंड स्टेंजा है वो स्टार्ट होता है दे डू नॉट स्वेट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन में दे डू नॉट स्वेट ये बार बार रिपीट हो रहा है। दे डू नॉट स्वेट ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज़ एनाफोरा। सो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ मेटाफर। मेटाफर हमने पहले भी डिस्कस किया है। मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो अलग अलग चीज़ों का कंपेरिजन किया गया है। इस पोएम में पोएट ने वर्ड यूज़ किया है सिक। सिक को कंपेयर किया गया है मेंटल फ्रस्ट्रेशन के साथ। पोएट ने इस वर्ड को यूज़ करके अपने आप को मेंटल फ्रस्ट्रेशन के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट द फ्रेज मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, इसे कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग्स की पोजेसिव नेचर के साथ। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ साउंड, जब किसी लाइन में बार बार एक साउंड जो है उसकी बार बार आवाज़ आ रही है, उसकी रेपिटेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेज द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, इसमें न साउंड की आवाज आ रही है, एन साउंड, द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, सो दिस इज ऑल्सो रेपिटेशन ऑफ साउंड न, एन. So next example is, they do not lie awake in the dark, repetition of k sound. इस एग्जाम्पल में हमें क की आवाज़ बार बार आ रही है. They do not lie awake k in the dark, k sound. So next poetic device is hyperbole. इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है hyperbole. Hyperbole का मतलब होता है exaggerated statements. Exaggerated statements means किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ चढ़कर बोलना. फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया. सो इस लाइन में जो सिंगर है वो कहता है मैं पर्वतों से टकरा गया, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो दिस इज एग्जैजरेशन. देयर इज हाइपरबोली इन lived thousands of years ago, जो कि ancestors के लिए यूज़ किया गया है. सो thousands of years ago ये hyperbole है, क्योंकि किसी के भी ancestors इतने पुराने नहीं होते. Next rhyme scheme, animals is written in free verse, क्योंकि जो Walt Whitman है वो free verse के लिए बहुत ही famous थे. No rhyme scheme is followed. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपको पसंद आई होगी. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू, बाय बाय.